सीएम ने बरगद का पौधा लगाकर की हरेला पर्व की शुरुआत, 10 लाख पौधारोपणों का रखा लक्ष्य। देहरादून में लाइव भूस्खलन कैमरे में कैद, भूस्खलन से रास्ते हुए बंद, रास्ते में फंसे लोगों को उठाने पड़ रही है परेशानी। उत्तराखंड में 16 से पूर्ण लॉकडाउन की फैली अफवाह, सीएम ने दिए भ्रामक खबरें फैलाने वाले खिलाफ। देहरादून में घर में सो रहे परिवार पर बरपा कुदरत का कहर, एक पल में जिंदा दफन हो गई चार जिंदगियां। केदारनाथ में पैदल मार्ग पर टूट रहे ग्लेशियर, ग्लेशियर टूटने से यात्रा हो रही प्रभावित, ग्लेशियरों को साफ करने के लिए लगाई गई टीमें। केदारनाथ दर्शन के बाद वासुकी ताल से ट्रेकिंग को निकले चार टूरिस्ट हुए लापता, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए की जा रही तलाश। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में, आज से हरेला पर्व की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बरगद का पौधा लगाकर हरेला पर्व की शुरुआत की। हरेला पर्व पर आज पूरे प्रदेश में करीब 10 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से देहरादून में 2,75,000 पौधे सिर्फ एक घंटे में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी तरह के पौधारोपण की तैयारी की है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया। हरेला पर्व के तहत 7.5 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा, जबकि 2.5 लाख पौधों का लगाने का कार्य उद्यान विभाग के पास है। ऐसे में उत्तराखंड में एक साथ 10 लाख पौधों को लगाया जाएगा। हरेला पर्व के मौके पर दूधली के सिमालस गांव में राज्य मंत्री करण बोरा और जनप्रतिनिधियों ने पौधा रोपे, साथ ही उन्होंने सभी से इस तरह महापर्व में हिस्सा लेकर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील की है। राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए बेहद स्तर पर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण से धरती के प्रति लोगों के जोश और उत्साह को दिखाया है, साथ ही हरेला पर्व पर पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संरक्षण का भी लोगों ने उत्साह मनाया। प्रकृति पूजन का हरेला पर्व आज मनाया जा रहा है। कुमाऊं में हरेले से ही श्रावण मास और वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। तिनकों को ईष्ट देव को अर्पित कर इच्छा जीवन, जानवरों की रक्षा और परिवार में मित्रों की कुशलता की कामना की जाती है। हरेले की पहली शाम डेकर पूजन की परंपरा भी मनाई जाती है। रिपोर्ट देखिए। हरेला पर्व से पहली शाम डेकर यानी श्री हरा कली पूजन होता है। घर के आंगन से शुद्ध मिट्टी लेकर शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आदि की छोटी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। उन्हें रंगने के साथ बकायदा श्रृंगार किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे आज हरेला पर्व से जुड़े और एक पौधा अवश्य लगाएं। उन्होंने हरेला पर्व की शुरुआत बरगद के पौधे को रोप कर की है, साथ ही उन्होंने 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस महापर्व से जुड़ने की भी अपील करी। आपको बता दें कि 5, 7 या 9 अनाजों से मिलकर हरेला से 9 दिन पहले 2 बर्तनों में उसे बोया जाता है, जिसे मंदिर में रखा जाता है। इस दौरान हरेला को पानी दिया जाता है। 2 से 3 दिन में हरेला अंकुरित होते हैं। सूर्य की सीधी रोशनी से दूर होने की वजह से हरेला यानी अनाज की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्य हरेला काटता है और सबसे पहले गोल्ज, देवी भगवती, गंगानाथ, भूमिया आदि देवों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद परिवार की बुजुर्ग महिला व दूसरे परिजनों को हरेला का आशीर्वाद दिया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। रामगढ़ मुक्तेश्वर फ्रूट बेल्ट में इन दिनों सेब से बगीचे लदे हुए हैं। सर्दियों में अच्छी बर्फबारी के बाद इस बार काश्तकारों को उम्मीद है
कि सेब का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। पिछले कई सालों से यहाँ के सेब उत्पादक अब जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। सेब से लदगद पेड़ों को देखकर काश्तकार काफी खुश हैं। मार्च और अप्रैल में ओलावृष्टि से काश्तकारों की आड़ू और पूलम की फसल बर्बाद हो गई थी। अब काश्तकारों को उम्मीद है कि जो नुकसान आड़ू और पूलम का हुआ उसकी भरपाई सेब का रिकॉर्ड उत्पादन से पूरा हो जाएगा। मेरे पास ही है। ये पिछले सालों से कुछ कम होगा, लेकिन इस बार भी अच्छा सेब है यहाँ पर, लेकिन पिछले सालों से थोड़ा बहुत कम होगा। हाँ, जैविक उत्पादन गोबर की खाद डालते हैं उसमें। यहाँ पर रासायनिक खेती कम की जाती है, ज्यादातर जैविक खेती की जाती है। सर अभी इस बार ऐसा नहीं कि हर जगह ये अभी बम्पर है, किसी कहीं किसी बेल्ट में अच्छी भी है, किसी बेल्ट में बिल्कुल जीरो भी है? टोटल में नहीं, कुछ क्षेत्रों में मध्य ऊंचाई और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तो अच्छी हुई है, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में जो लगातार मौसम खराब रहा, बरसता रहा इस साल, ओलावृष्टि हुई, वो फ्लावरिंग स्टेज में ओलावृष्टि होने से कुछ जगहों बड़ा डिस्टर्ब हुआ, फूल शटिंग नहीं हो पाई है जो लगातार 3 दशकों से शट होते थे, लेकिन इस एरिया में बहुत अच्छा सेब शट है। लालकुआ कोतवाली में तैनात एक उप निरीक्षक का रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू के प्रभारी चिकित्सक हरीश चंद्र पांडे ने कोतवाल में तैनात उप निरीक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्र में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जिसके चलते स्वास्थ्य केंद्र में 86 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 30 लोगों का अलग से रैपिड टेस्ट किया गया। इन लोगों में से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 मरीजों की कॉल हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और साथ ही इनके संपर्क में जो भी आया है उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू में हमारे टोटल 86 सैंपल लिए गए, जिसमें 30 रैपिड टेस्ट लिए गए, 13 रैपिड टेस्ट लिए गए, उसमें 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनको हमारे टीम के द्वारा एसटीएम में भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा 73 और टेस्ट किए गए, जिन लोगों को अभी क्वारंटीन किया गया है। जे कोतवाली में सब इंस्पेक्टर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके घर के सदस्यों को अभी स्क्रीनिंग करके, इनकी जांच करके इन्हें होम क्वारंटाइन, स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन किया गया है, और आसपास के घरों का आशा द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है, और जो बुखार और खांसी के मरीजों को, रोगियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। भले ही भीषण गर्मी वाला जुलाई माह चल रहा हो, लेकिन केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी भारी बर्फ है। बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की राह में रोड़ा बन रहे हैं। बारिश होने पर ग्लेशियर टूट रहे हैं, जिस कारण पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद हो रही है और वैकल्पिक मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रियों की यात्रा करवाई जा रही है। हालांकि पैदल मार्ग से ग्लेशियर को साफ करने के लिए मजदूरों की टीमें तो लगा दी गई हैं, वहीं अपर जिलाधिकारी ने कहा कि गौरी कुंड में सफाई व्यवस्था को लेकर सुलभ इंटरनेशनल को कहा गया है कि केदार यात्रा पहाड़ों पर व्यवस्थाओं की सुव्यवस्थित किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं बनी हुई है। देखिए, इस मामले में उन व्यवस्थाओं को जानने समझने के लिए मैंने भी दौरा किया था, और जहाँ तक प्राइवेट जो दुकानें हैं वो वास्तव में नहीं चल रही है, क्योंकि उसमें उनको उतना मार्जिन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो हमारे सरकारी संस्थान हैं वो बदस्तूर चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ तक ये बात है कि रास्ता कई जगह आपको खराब मिला होगा, उसका कारण ये है कि अभी वर्तमान में भी काम चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम उसको नहीं कर पाए पूरा, तो वर्तमान में भी अभी पैच वर्क का काम आपने जगह जगह देखा होगा, वो हमारा काम अभी चल रहा है, ये स्थिति लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी।
भाजपुर में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जा रही है, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों का सैंपल लिया जा रहा है और जाँच के लिए रुद्रपुर भेजा जाएगा। बता दें, भाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी ने भाजपुर के बैंक ब्लॉक कार्यालय तहसील कार्यालय में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते आज भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच कराई जा रही है। आज कोरोना के संक्रमण हमारे शहर भाजपुर में भयंकर बीमारी का रूप ले चुकी है, संख्या बढ़ रही है मरीजों की, इसलिए आज तहसील के और ब्लॉक दोनों विभागों के खंड विकास कार्यालय और तहसील कार्यालय वालों की सबकी सैंपलिंग की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मंगलवार दोपहर बाद पीपल कोटी के समीप ऐसा भूस्खलन हुआ कि 25 घंटे के बाद भी अभी तक मार्ग नहीं खुल पाया है। गाड़ियों के पहिए जहां थे वहां थम चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा पर आए यात्री भी मार्ग बंद होने से यहीं फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ बद्रीनाथ जाने वाले यात्री भी कल से मार्ग खुलने का इंतजार भी कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ रास्ते के दोनों ओर मार्ग खुलने का इंतजार कर रही है, लेकिन भूस्खलन इतना ज्यादा हुआ कि कब खुलेगा फिलहाल सब कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लोग जान जोखिम में डालकर पैदल पहाड़ी के रास्ते पार करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। केदारनाथ दरनाथ में दर्शन के बाद वासुकी ताल में त्रिगुवी नारायण ट्रेकिंग रूप में निकले देहरादून व नैनीताल के चार लोगों के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा रेस्क्यू के लिए टीमें गठित तो कर दी गई हैं और साथ ही साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी तक लापता लोगों का कोई पता नहीं चल सका है। लापता लोगों में हिमांशु, जितेंद्र भंडारी, मोहित भट्ट और गंगा भट्ट हैं। बीते 12 जुलाई को ई पास के जरिए सोनप्रयाग के केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे और 13 जुलाई को बाबा केदार के दर्शन के बाद से ये चारों युवक वासुकी ताल के लिए रवाना हुए थे। केदारनाथ दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन के पश्चात आए थे। 13 के मॉर्निंग में ये सूचना मिली है कि वो वासुकी ताल के लिए निकले 13 तारीख को शाम के समय। थाना सोनप्रयाग को ये एक मैसेज कन्वे किया गया कि उनके अभी पता नहीं लग पा रहा है, कहीं रास्ता भटक गए, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। 14 की सुबह में एक टीम भेजी गई थी, दो टीमें SDRF की स्थानीय थाने के माध्यम से वहाँ पर सर्च के लिए भेजी गई। दिन में उन्होंने पूरा दिन सर्च अभियान चलाया, किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पौधारोपण किया। इससे पहले उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज रातीघाट में भी पौधारोपण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए पौधे अधिक आवश्यक हैं, इसलिए पौधे को प्रतिदिन पानी देने तथा उसकी देखभाल करने की आदत बनाएं तथा उनकी देखभाल एक नवजात शिशु की तरह करें। उन्होंने हरेला पर्व पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, उपाध्यक्ष जिला पंचायत आनंद सिंह और विद्यालय की शिक्षिकाएं मौजूद थी। काशीपुर में कुंडा थाना पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बाइक चोरी के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इन छात्र चोरों ने बाइकों को काशीपुर कोतवाली ITI थाना क्षेत्र और कुंडा थाना क्षेत्र से चोरी की है। नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने
मुनि चिदानंद द्वारा 35 बीघा रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने व उस पर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 27 जुलाई की तिथि नियत की है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें, लेकिन आज इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई कब्जा नहीं किया है और ना ही अतिक्रमण करके बनाया गया 52 कमरों की बिल्डिंग को तोड़ा है। आज याचिका संख्या 160/2019 श्रीमती अर्चना शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मुनि चिदानंद एंड अदर्स सुनवाई के लिए लगी हुई थी, जिसमें श्रीमती अर्चना शुक्ला के पक्ष को मेरे द्वारा काफी अच्छे ढंग से बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बेंच ने पूरा सम एंड सब्सटेंस। राज्य में सचिवालय के कामकाज को ई ऑफिस से जोड़े जाने के पश्चात इस कड़ी में राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। निदेशालय की प्रथम ई फाइल का बटन दबाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसकी विधिवत शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि शहरी विकास निदेशालय ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय बना है। जो हमने पहले नगर निकायों में नगर निगम में किया था वो अब पालिका और पंचायतों में भी जाएगा। यानी व्यक्ति खुद अपने घर में बैठकर उसका एक रेट फिक्स हो जाता है, बोर्ड उसको पास कर देता है, जैसा पता चलेगा कि एक स्क्वायर फीट का ₹1 लगेगा और मेरे यहाँ 1000 फुट का मकान है तो मैं स्वयं एक फार्म लूँगा, उसको भरूँगा। भरने के बाद मुझे आइडिया कि मेरे 1000 फुट मकान है, ₹1000 मेरे बने टैक्स के, उसमें कैलकुलेशन करेगा कितनी छूट है वो निकालेगा, माइनस करेगा फार्मूले के तहत और वो पैसे जमा कर देगा। यानी घर बैठकर टैक्स का कैलकुलेशन करना और अब उसको जमा करना, ये सारा घर बैठकर आप काम कर सकते हैं। रुद्रपुर में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वाले 5 शिक्षकों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अध्यापकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने ऐसे अन्य मामले का सामने लाने के लिए टीचर्स के प्रपत्र जांच की शुरू कर दिए हैं। बताते चलें कि गदरपुर में तैनात 3 शिक्षक और रुद्रपुर में कार्य 2 अध्यापकों पर शिकायत के बाद भी जाँच शुरू कर दी गई थी। जाँच रिपोर्ट में अध्यापकों द्वारा BTC हाई स्कूल इंटर सहित स्थायी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्त की कार्रवाई कर दी। जो हमने पहले ऐसा है कि बहुत पहले SIT ने किसी के शिकायत पर इनके प्रमाण पत्रों की मांग की और उन्होंने अपनी जांच में ये पाया कि इनके BTC के प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उसके क्रम में इनको बर्खास्त किया जा चुका था पहले, लेकिन माननीय न्यायालय में इनके द्वारा अपील किए जाने के कारण न्यायालय के आदेश पर पुनः इनकी जांच कराई गई। तो इसमें 3 टीचर फिलहाल गदरपुर के हैं। 7 साल पहले जिसने 7 जन्मों के सपने संजोए थे उसके साथ फेरे लेकर अपना घर छोड़कर घर में आकर रहने लगी, जिसके लिए घर वालों से बगावत तक की, उसी प्यार ने वंदना को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि वंदना यूपी के सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के नौगावा माजरी गांव की रहने वाली थी। वंदना की मुलाकात 8 साल पहले भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुब्बनपुर निवासी मनोज से हुई थी। मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों ने 7 जन्मों के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। वंदना ने अपने प्यार के लिए घर वालों से बगावत करके 2013 में शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों खुब्बनपुर गाँव में रहने लगे थे। वंदना के घर वालों के मुताबिक मनोज शराब पीकर वंदना के साथ रोजाना मार पिटाई किया करता था, जिसके बाद घर वालों से पैसे भी मांगा करता था। कई बार वंदना के घर वालों ने उसको पैसे भी नहीं दिए, लेकिन मनोज के पैसों की मांग और बढ़ती चली गई और वंदना पर अत्याचार भी बढ़ता चला गया। हैरान कर देने वाली बात ये है कि घर में वंदना 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 दिन फांसी के फंदे पर लटकती रही और मनोज के घर वालों ने किसी को इसकी भनक तक नहीं होने दी।
मनोज रोजाना शराब पीकर आता और पास वाले कमरे में ही लेट जाता। चार दिन बाद जब कमरे से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला के परिजनों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा तो अंदर का हाल देखकर सभी का हाल बुरा हो गया। वंदना वाइफ ऑफ मनोज, तो बताएं कि आज सूचना आई कि किसी महिला ने सुसाइड कर दिया, कमरा बंद है। तो हम लोगों ने पहले महिला के मायके वालों को बुलवाया, उनके भाई को, पिताजी को, जीजा को, क्योंकि मिर्जापुर थाने के रहने वाले हैं सहारनपुर में। वो लोग आए, उनके सामने दरवाजा तोड़ा गया और बॉडी को। नैनीताल हाई कोर्ट ने सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा के धौराणी तया मोटर मार्ग के निर्माण में 224 पेड़ काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला पंचायत अधिकारी से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान वन विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रोड निर्माण के लिए उनके कोई परमिशन नहीं ली गई है, बावजूद इसके 2 किलोमीटर रोड का निर्माण कर दिया गया और 224 पेड़ भी काट दिए गए, जिस पर कोर्ट ने जिला पंचायत अधिकारी से पूछा है कि किसकी अनुमति से रोड का निर्माण किया गया और पेड़ काटे गए। प्रकरण में जिला प्रशासन अल्मोड़ा द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया था और उनके द्वारा बताया गया था कि जो जिला पंचायत ने ये सड़क का निर्माण किया है तया में, और ये 2 किलोमीटर सड़क बिना वन भूमि की अनुमति लिए बिना और वन विभाग से परमिशन लिए बिना जिला पंचायत द्वारा इसकी परमिशन दी गई है, जिस कारण 224 पेड़ इसमें काट दिए गए थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें जिला पंचायत अल्मोड़ा को डायरेक्शन दिए कि वो इसमें अपना जवाब दाखिल करें और अग्रिम आदेशों तक सड़क निर्माण पर और मौके पर किसी भी प्रकार के कार्य पर ऑनरेबल कोर्ट ने रोक लगा दी। सितारगंज में आधुनिकता के युग में तेजी से बदलते परिवेश के कारण लोगों में गलत खान पान के बढ़ते प्रचलन की जगह जीवन में जैविक खाद्य पदार्थों की महत्वता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकटवर्ती ग्राम बिजटी में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इंग्लैंड से वापस लौटे काश्तकार गुरप्रीत सिंह सिंधु ने उनके द्वारा जैविक तरीकों से उगाई गई गेहूं की उन्नत प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। अपने द्वारा उगाई गई गेहूं की किस्मों की जानकारी देते हुए सिंधु ने बताया कि यह किस्में पंजाब के मोहाली में स्थित नावी नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की मोनिका मार्ग द्वारा 7 साल की रिसर्च के बाद बाजार में आई है। बताया जाता है कि ब्लॉक ब्लैक वीट, ब्लू वीट, पर्पल तथा व्हाइट वीट 4 प्रजातियां की गेहूं की फसलें उगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि आज के भाग दौड़ भरे युग में मानव शरीर के लिए खान पान की जैविक चीजों न मिल पाने के कारण लोग अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता व किसान सरदार पलविंदर सिंह ने बताया कि ग्राम बीजेटी में आयोजित इस कृषक गोष्ठी के पीछे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनके जैविक खाद्य सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक करना है। ये 4-5 साल से ये लगातार ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को मोड़ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसमें काला गेहूं और लाल भिंडी, इस तरीके की बहुत सारी सब्जियां और गेहूं का उत्पादन ये कर रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की जो कमी है उसको बढ़ाया जाता है। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धाम के कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने राज्य सरकार से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने पिछले दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की। केदारधाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा पीएम मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने ली पूरी जानकारी, सौंदर्यकरण और श्रद्धालुओं से संबंधित दी गई जानकारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार भी रहे मौजूद।
केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धाम के कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने राज्य सरकार को धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पहले दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पीएम मोदी को धाम के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं से संबंधित सभी जानकारियां भी दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने पीएम मोदी को केदारनाथ धाम में बन रहे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के निर्माण कार्य से संबंधित चीजों पर भी जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य सरकार को और भी कई तरह के सुझाव दिए। बता दें कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिस पर वह खुद नजर रखे हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रही पुनर्निर्माण कार्यों का लिया पूरा फीडबैक। साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा केदारनाथ में बनने वाले म्यूजियम का विषय पीएम के सामने रखा गया। म्यूजियम के प्रस्तुतीकरण को पीएम ने सराहा है और प्रधानमंत्री ने केदारनाथ यात्रा को लेकर कई सुझाव भी मुख्यमंत्री को दिए। केदारनाथ धाम जी में जो संग्रहालय बनना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली जो मीटिंग हुई थी 10 तारीख को, उसमें उन्होंने निर्देश दिए थे और कुछ अपने दृष्टिकोण भी व्यक्त किया था कि जो पैदल मार्ग है उस पर कुछ ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि उससे एक आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पर बने। रास्ते में कुछ जो निर्माण होने हैं, उस निर्माण में स्थानीय जो हमारी स्थापत्य कला है, टारगेट के हिसाब से काम हो रहा है। अब हमारे पास वहाँ पर जो लेबर्स हैं उनकी भी संख्या पर्याप्त हो गई है, तो काम जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर की वजह से यात्रियों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने को भी ध्यान देने पर चर्चा की गई। इस पर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यात्रा पर अधिकतर मौसम खराब होने पर यात्रियों को जो परेशानी उठानी पड़ती है, उस पर डॉर्मेट्री सुविधा बनाने पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपना व्यू रखा है कि यात्री और श्रद्धालु जब नीचे से चलते हैं तो उन्हें क्रमशः जो है एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति होनी चाहिए। जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं और मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक बोध उनमें और अधिक जागृत हो। तो अभी प्रयास यही हो रहा है कि हम कैसे इसे मूर्त रूप दें। ये एक कॉन्सेप्ट आया है और उस कॉन्सेप्ट को हमें ग्राउंड पे ट्रांसलेट करना है, और उसी के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारीगण आपस में वार्ता कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी रखा गया है। बता दें कि बीते 2 वर्ष से मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा समाधि का राफ्ट तैयार हो चुका है। इसी राफ्ट पर समाधि स्थल बनाया जाना है। सरस्वती नदी किनारे घाट निर्माण और मंदिर तक आस्था पथ भी बनाया जा रहा है और आने वाले समय में इस मार्ग से दिव्यांग श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।